देखो, कोई भी चीज़ जब ये आती है तो उसका फायदा नफा तोटा नहीं देखना चाहिए। हमारी महिलाओं की सुरक्षता क्या है? जब हम लोग ने CCTV लगाए, बहुत सारे अपघात दिन में होते हैं, चोरी तो दिन में होती नहीं, डकैती दिन में होती नहीं। अभी नेरुल में 2-3 डकैती हुई, मगर CCTV फुटेज में देखा तो उनके चेहरे नज़र नहीं आते, अंधेरा था, बारिश था। अगर उधर हाईमैक्स अगर होता था तो वो मालूम पड़ता था। छोटे दीवे पे क्या करते हैं लोग, कपड़ा फेंक देते चोर लोग, तो ये उनकी बहुत सारे उनके पास आइडिया होती है। मगर हाईमैक्स सोलर के है तो पालिका के उसके ऊपर कोई पैसे का भार नहीं पड़ेगा। पहली बात, महाराष्ट्र शासन ने, सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये सब दिए और वो जगह जगह पर फिर गाँव होने दो, गाँव की गली नुक्कड़ होने दो, झोपड़पट्टी होने दो, उनकी नुक्कड़ होने दो, या शहर के चौक चौक होने दो, जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जहाँ जहाँ हमारी महिलाएं काम करती है, जहाँ जहाँ हमारी कॉलेज की लड़कियाँ शाम को क्लास से आती है, जहाँ जहाँ लड़कियाँ काम भी करती है, तो उनको रात में आने को बहुत दिक्कत होती है गर्दुलों की वजह से। और नवी मुंबई में इतना क्राइम नहीं है, फिर भी वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उसके लिए मैं प्रयास कर रही हूँ, एक लोक प्रतिनिधि महिला होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि महिलाओं की सुरक्षा रखने के लिए। आपको सबको पता है कि हमारे होम मिनिस्टर जो है, हमारे नेता देवेंद्र जी फडणीस साहब, उनके लिए उनको अपोजिशन लीडर टारगेट करते हैं, ये महिला का कुछ संरक्षण नहीं करता है, ये फॉलो फेल हो गया, ये हो गया। मैं उनसे कहना चाहती हूँ, पहले के कौन से होम मिनिस्टर थे जिन्होंने महिला के संरक्षण के लिए 25-25 करोड़ के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने सोलर हाईमैक्स दिए? हमारे जो सरकार में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को मालूम है, महिला हमारी माँ होती है, बहन होती है, हमारी बीवी होती है, अलग अलग तरह से महिला होती है। अपने घर की कल लड़की अगर जा रही और उसको कोई छेड़खानी किया या रेप किया या कुछ हुआ, अत्याचार हुआ, उसके बाद चिल्लाने से क्या फ़ायदा है? उसको पहले ही हम कोशिश कर रहे हैं कि महिला की सुरक्षता कैसी बढ़ेगी, और उसके लिए वो महिला विधायक होने के नाते ये काम मैंने आज किया है। बिजली की बचत, अभी आने वाले दिनों में मैंने 1-2 प्रोजेक्ट दिया है महानगर पालिका को कि हमारी बिजली यहाँ निर्माण हो सकती है कचरों से, तो हम कचरा जो वेस्ट है उसके लिए मैं कम से कम 5 साल, जब मैं 14 में चुन गई तब से मैं बोल रही हूँ कि कचरे पे बीज निर्मित करने के लिए केरला से कंपनी भी आई थी कि वेस्ट कचरा से ईंट बनेगी और उससे बिजली बनेगी, उनका वो यूनिट लेंगे अपने को, तो कम से कम तुरबा विभाग में भी अगर वो बिजली लगेगी तो हमारे उतना बिजली का खर्चा कम हो जाएगा। आपको बताती हूँ, कल मैंने अपना जो फिश मार्केट बनाया था 90 गाले का, उसमें सोलर सिस्टम लगा दी, उनको 7-8 हज़ार बिजली का बिल आता था, अब वो नहीं आएगा। जैसे जैसे जो जो सुविधा मिल रही है शासन से वो लाने का मेरा प्रयास है। मैं महाराष्ट्र शासन की बहुत बहुत नवी मुंबई करो के तरफ से आभार मानती हूँ कि उन्होंने मुझे आज इतनी भारी रकम देकर हमारे महिलाओं की सुरक्षा तक में 1-4 चांद लगा दिया है, इसलिए उनको भी मैं आपके माध्यम से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ।